नमस्कार दोस्तों, आज का क्वेश्चन जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 108 है, 108वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे द फर्स्ट स्ट्रोक लाइन ऑफ अ रमन रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व्ड एट 12.96। तो देखो स्ट्रोक लाइन कह रहा है वो ऑब्जर्व की गई है, रिजिड रोटेटर अप्रोक्सीमेशन कंसिडर करना है हमें, रोटेशनल कॉन्स्टेंट पूछ रहा है। तो देखो आप यदि आप थोड़ा सा ध्यान से थ्योरी आपने पढ़ी हो, ये हमारे पास रेले लाइन होती है ना, ये वेव नंबर हो गया इंक्रीजिंग फॉर्म में से। अब यहाँ पर ये कौन सी लाइन होती है, ये एंटी स्टोक लाइन होती है, ठीक है ना। ये क्या होती है, स्टोक लाइन होती है, ये होती है हमारे पास रेले लाइन, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टोक लाइन कह रहा है ना, तो हमने फर्स्ट स्टोक लाइन ले ली। और भी स्टोक लाइन्स होती हैं हमारे पास, ठीक है ना, हम उनको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, मैं उनको कंसिडर नहीं कर रहा, वो फर्स्ट कह रहा है तो स्टोक लाइन की बात कर रहा है, तो यानी वेव नंबर कम होता है स्टोक लाइन का, ठीक है ना। तो यानी ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है ना। ये कब ओकर होती है, जब जे इज इक्वल टू जीरो होगा, ये जब जे इज इक्वल टू वन, जे इज इक्वल टू टू। तो कह रहा फर्स्ट स्टोक लाइन ऑफ रमन रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व एट 12.96। हम रेले लाइन से मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमें कितना दे रखा है, 12.96 सेंटीमीटर इनवर्स। और रेले लाइन और स्टोक लाइन का ही डिफरेंस ही तो है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रमन शिफ्ट बोलते हैं। तो एक्चुअली में रमन शिफ्ट दे रखा है हमें, ठीक है ना। तो हमने जो रमन शिफ्ट दे रखा है, तो रोटेशनल केस में हमारे पास रमन शिफ्ट क्या होता है, बी फोर जे प्लस सिक्स, ये होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट की बात तो हमें कितना दे रखा है, 12.96 सेंटीमीटर इनवर्स दे रखा है, ठीक है ना। और फर्स्ट स्टोक लाइन की बात कर रहा है, तो जे इज इक्वल टू जीरो पाएगी, तो जैसे ही हमें जे इज इक्वल टू जीरो पुट करूँगा गायब हो जाएगा, सिक्स मिलेगा मेरे को सिंपली, है ना, सिक्स भी आ जाएगा, ठीक है। तो बी मेरे पास सिंपली कितना आ जाएगा, जब इसको डिवाइड करूँगा तो 2.16 सेंटीमीटर इनवर्स आएगा। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन कितना सोल्व हो गया मेरे पास, तो क्या 2.16 है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।